दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। खबर मध्य प्रदेश के खंडवा से है, जहां महिला चिकित्सालय के अंदर एक गर्भवती महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गर्भवती महिला को लेबर पेन होने पर अस्पताल में भर्ती किया गया था। जब उसे तेज लेबर पेन होने लगा तो उनके बुलाने पर डॉक्टर और नर्स कोई भी मरीज को देखने नहीं आया, उल्टा नर्स मोबाइल पर गेम खेलती रही। इस बीच महिला की मौत हो गई। महिला की मौत होने के बाद ड्यूटी पर मौजूद नर्स और डॉक्टर एक घंटे तक मृत महिला का इलाज कर परिवार वालों को झूठी सांत्वना देते रहे। परिजनों ने महिला की मौत के बाद हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने आकर पूरे मामले को शांत कराया है। खंडवा के महिला चिकित्सालय में लेडी बटलर में गर्भवती और नवजात शिशुओं का इलाज किया जाता है। महिला अस्पताल लेडी बटलर गर्भवती महिला फरहीन की संधि में मौत हो गई। महिला की मौत को लेकर परिजन आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। परिवार के लोगों ने खुले रूप से डॉक्टर और स्टाफ नर्सों पर लापरवाही लगाया है। परिवार का कहना है कि महिला डॉक्टर हो रही थी, गर्भवती महिला फरहीन की हालत खराब होने पर जब भी उन्हें बुलाने जाते तो वह डांट फटकार कर उन्हें भगा देते। स्टाफ नर्स मोबाइल में गेम खेलने में लगी हुई थी। मृत महिला की सास फरीद ने बताया कि गर्भवती महिला को मंगलवार की दोपहर में महिला अस्पताल में भर्ती किया गया था। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन रात में जब फरहीन को लेबर पेन होने लगा तो वह बार बार डॉक्टर और नर्स को बुलाते रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा स्टाफ नर्स मोबाइल में लगातार गेम खेलती रही। परिजनों का कहना है कि जब फरहीन की मौत हो गई तब वह एक घंटे तक जबरन नौटंकी करते रहे। हमसे कहा गया कि उसकी सांस अभी चल रही है और बहुत से कागजों पर हस्ताक्षर लेते रहे, जबकि फरहीन की मौत पहले ही हो चुकी थी। फरहीन के परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी बहू की मौत डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही के चलते हुई है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। महिला अस्पताल में हंगामे की खबर मिलते ही मोघट TI ईश्वर सिंह चौहान ने अस्पताल पहुंचकर परिवार के लोगों से बात की, उन्हें समझाया। इसके बाद कहीं जाकर मामला शांत हुआ। चलो बाकी लोग अपना काम करो, चलो 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 अपना काम करो, चलो जिसके साथ जो अटेंडर है वहाँ जाए, चलो बताइए क्या मामला है, क्या एक्चुअली। तीन बजे कल आए थे दोपहर में, कल हमने ला के बतलाए करे तो अब देखे उन्होंने चेक करे तो बोले हो जाएगा बोले सुबह तक के, मगर उसे रात में उसकी तबीयत ज्यादा खराब है तो कोई मैडम देखने नहीं आई उसको। हम जब ले जा रहे जब बोले जाओ क्या हो रहा दारा धार दे पटक दो, मोबाइल खेलते बैठी है सिस्टर उन, अब बोले हम मैडम के बगैर ना परमिशन के बगैर हाथ नहीं लगाएंगे, बच्चा आएगा तो हम झेल लेंगे बस ये सब बोलते। तो तुम्हारे को काय के लिए रखे क्या चेक कर नहीं कर सकते क्या तुम, बच्चा आएगा बच्चा खुद ही पैदा करना तो घर पे ही निकल लेंगे, यहाँ क्यों आएंगे हम, हम यहाँ क्यों आएंगे बच्चा पैदा कर। बोले अस्पताल वालों की लापरवाही, लापरवाही का पूरा नाती जाए वो है ना उसके ऊपर वो मैडम नहीं आई, दो इंजेक्शन लगा दिए भगा दी, ये नहीं देखा हम बोले BP कैसा है तो बोले नॉर्मल है, फिर 5 मिनट बाद BP इतना कैसा बढ़ गया कि चक्कर आ गए है ना बच्चा मार के, एक घंटे तक के जबरदस्ती सीना दबा रहे हमको दिलासा दे रहे, एक घंटे पहले ही मौत हो गई उसकी, जबरदस्ती हमको दिलासा दे रहे कि हम नहीं है सास है सास, हम सब पुलिस आइन वाइन करवाते जा रहे हम इलाज कर रहे सब बोल। आप उसकी सासू माँ? हम सासू माँ। अपना नाम बताइए। मेरा नाम फरीदा है।